खरगोन जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर खनिज विभाग ने कार्रवाई की थी। वर्ष 2019 से जिले की खदानों का ठेका हो जाने के बाद अब विभाग अवैध तरीके से रेत खनन करने वालों के विरुद्ध पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से कार्रवाई करेगा। इस बारे में खनिज विभाग अधिकारी सावन सिंह चौहान ने बताया कि जिले भर में रॉयल्टी की खदान से रेत निकाली जा रही है, लेकिन प्रशासन और विभाग को अगर अवैध रेत खनन की सूचना मिली तो कठोर कार्रवाई करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि नई खनिज नीति, रेत खनिज नीति 2019 में लागू हुई है, उसके बाद नीलामी मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने अभी 2019 में टोटल 28 खदानें नीलाम हुई। वो भोपाल के ठेकेदार श्री आर के गुप्ता जी ने अपने यहाँ की खदानें सारी खरीदी हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग ने 22 फरवरी 2020 में हर जिले में ठेकेदार, जो संबंधित ठेकेदार है उसको जिले में एरिया चिन्हित करके चौकी लगाने के लिए उसको निर्देश दिए हैं। इसमें जैसे खरगोन में अभी वर्तमान में जैसे 24 चौकियाँ लगाने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया है, और चौकी लगाने का मकसद यही है क्योंकि उन लोगों ने मतलब कि रेत खरीदी जिले की, तो जिले में कोई भी अवैध उत्खनन परिवहन होता है या उस रॉयल्टी चेक करने का उनको अधिकार है। अगर उस वो अवैध परिवहन करता है तो उसके बारे में वो संबंधित अनुविभाग अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार या संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, खनिज इंस्पेक्टर या माइनिंग ऑफिसर को अगर उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो सूचना दे सकता है, क्योंकि उसकी रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने जिले में रेत खरीदी है इतने बड़े स्तर पे। अगर ऐसा चलेगा तो वो कैसे चलेगा। इसलिए जो चौकी स्थापित हुई, इनके रजिस्टर्ड जो ठेकेदार है आर के गुप्ता जी, इनके रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो उस चौकी पे बैठते हैं और निरीक्षण करते हैं। अभी क्या तकलीफ आ रही है उनको? नहीं, अभी अभी जैसे कभी सारी खदानें चालू नहीं हुई तो कहीं देखने में आता है कि वो बिना रॉयल्टी की गाड़ियां चल रही है, तो फिर वो लोग हमको सूचना देते हैं। हमारे इंस्पेक्टर मैडम ने मतलब कि ऐसे में कार्रवाई की, तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि क्यों पकड़ रहे हैं, इनको क्या अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रेत खदानें खरीदी है, वो विधिवत कलेक्टर साहब का आदेश है, ये 30-7 का आदेश है, उन्होंने स्पष्ट बिंदु दिए हैं कि उनको क्या क्या करना है। तो भैया वो तो उनके नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और उनके संबंधित व्यक्तियों की लिस्ट हर थाने में दी गई है, तो ये तो उनका अधिकार है, वो चला रहे हैं और वो अवैध परिवहन उपकरण होगा तो उसको रोकने का उनका राइट है। इसमें जैसे पुलिस सहयोग नहीं करती है अगर ठेकेदार के लोगों को, तो किस तरीके से फिर खनिज विभाग कार्रवाई करेगा? अगर पुलिस सहयोग नहीं करती हमारे पास इसके, वो आता तो हम कलेक्टर महोदय के द्वारा SP को हम लोग बोलेंगे कि उनको निर्देशित करें और मतलब कि सहयोग प्रदान करें। अच्छा, कुछ बातें ऐसी भी आती है कि ठेकेदार के लोग भी दादागिरी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर दादागिरी करना नहीं, अगर वो लोग ठेकेदार लोग अगर गलत इलीगल कर रहे हैं, अवैध उत्खनन परिवहन इस टाइप की कुछ वो कर रहे हैं, तो उसमें खनिज विभाग जिम्मेदार है, वो उस पर कार्रवाई करेगा। अब अगर वो दादागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको पुलिस का बैटर है अब उसमें, तो क्योंकि वो दादागिरी तो करने का किसी को राइट्स नहीं। सर, अब तक अवैध उत्खनन जो होता रहा जी, अब वो जो लोग कर रहे हैं जैसे ठेकेदार हैं जी, अब वो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जी, तो वो उनको कैसे रोका जाएगा? कि ये तो ठेकेदार का मतलब कि आपस का वो है, वो तो या तो लोगों से मतलब वहाँ के लोगों से बात करके और उनसे आपसी सामंजस्य बिठा के उनको काम दे या कुछ भी, वो ठेकेदार का लुकआउट, क्योंकि खनिज विभाग का डायरेक्ट उस पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि खनिज विभाग ने सारी खदानें माइनिंग कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिए, और माइनिंग कॉरपोरेशन ने उसको ठेकेदार को नीलाम कर दिए, तो माइनिंग विभाग उस पर सिर्फ उस पर मॉनिटरिंग कर सकता है कि अवैध उत्खनन परिवहन का मॉनिटरिंग कर सकते हैं भैया वो इलीगल कर रहा है या, इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बाकी पूरा उसकी इवन की इसकी जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो भी जिले की राजस्व प्राप्ति में उस रेवेन्यू उसका ऐड नहीं होगा, वो सीधा शासन के खाते में जा रहा है। हाँ, विवाद स्थिति बनी थी, मैम वहाँ पर मैडम ही थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर गांव वाले कुछ इशू कर रहे हैं, उनका कहना था कि वो रॉयल्टी कहीं और से लेके आ रहे थे, ठीक है रॉयल्टी लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहीं स्टॉक कर दिया था बताया, और स्टॉक करने के बाद वो कहीं और ले जा रहे थे, पर एक अगर आप स्टॉक कहीं कर रहे हो उसके बाद अगर आप बोले उसकी रॉयल्टी है उन्होंने वहाँ तक रखी, पर उसके बाद अगर आप खनिज का परिवहन करते तो उसके लिए आप
आपने भले रॉयल्टी पे करी है पर जिस गाड़ी में रखा उसकी रॉयल्टी उसमें होना चाहिए। अगर आपने स्टॉक की तो स्टॉक की परमिशन होना चाहिए आपके पास। बिना रॉयल्टी के कोई भी खनिज आप परिवहन नहीं कर सकते। सर जो जैसे अवैध खुदाई जो कर रहे हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या वहाँ पर क्या कार्रवाई होगी बड़वा में? नहीं, हमको जैसे जैसे हमको अगर सूचना मिलती शिकायत तो हम लोग जांच के लिए भेजते हैं और कार्रवाई करते हैं। और जो स्टॉक कर रहे हैं जैसे खरगोन में सर किसी के पास लाइसेंस नहीं स्टॉक का, और यहाँ बड़े पैमाने पर कई जगह स्टॉक करते हैं पकड़ा भी गया है, तो उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए एक महीना हुआ है, पर मैंने पता किया है यहाँ पर स्टॉक के कम से कम तीन प्रकरण बड़े बड़े उनके प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में प्रचलित है, वो बड़े बड़े स्टॉक के प्रचलित है। और अब फिर से अभी मैंने कलेक्टर महोदय से बात की है, उसमें हम लोग अभी एक प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि जब खदारे जब जैसे ही चालू होगी उस समय ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग टीम बना रहे हैं उसके साथ। फिर जब जैसे ही खदारे चालू होगी उस समय थोड़ी सी मॉनिटरिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें राजस्व विभाग का भी सहयोग रहेगा और माइनिंग और राजस्व मिलकर और कार्रवाई करेंगे। अवैध उत्खननकर्ताओं ने जो है उन्होंने कुछ किसानों से कुछ जगह भी खरीद ली है, उसके साथ लिखा पढ़ी भी कर ली है, तो अब उन लोगों को क्या होगा? लिखा पढ़ी वो तो देखो, अब खदान नीलाम होने के बाद जो पुराना जो भी एग्रीमेंट ये है वो सब खत्म, उसका कोई, क्योंकि खदान अभी जिले में जो भी खदानें हैं सभी श्री आर के गुप्ता ने खरीदी है, तो उन्हीं को है। अगर नई भी अगर नई किसी खेत में मिलती है या नए क्षेत्र में मिलती है तो उस पर भी पहला हक ठेकेदार को है, तो वो अगर वो एग्रीमेंट ऑफ द रिकॉर्ड किया है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर ऑन रिकॉर्ड है तो वो गलत है। जैसे राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम पे कोई जमीन है और उसमें डिपॉजिट रहे थे, तो अगर उस पर कोई एग्रीमेंट है तो अब चूंकि वो तो राजस्व का मामला, चूंकि किसी ने पर्सनल एग्रीमेंट कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, पर्सनल एग्रीमेंट किया पर खनिज के मामले में पर्सनल एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खनिज है, खनिज में खनिज विभाग का उस पर अधिकार है। अगर आपके रेत खनिज निकल गया तो आपको आपको लीगली कॉन्ट्रेक्टर जो सेंड कॉन्ट्रेक्टर है आपको उनसे संपर्क करके उनको हैंडओवर करना पड़ेगा, जो भी उसकी रॉयल्टी रेट से होगा जो भी होगा आपसी सहमति से वो करके वो उसका पर्ची वही करेंगे, क्योंकि उसी को राइट्स है जिले में। सर बड़वा में जो मामला हुआ उसको लेकर मैडम का नाम आ रहा है, तो मैडम ने भी स्पीच दी है, कोई बात कही है, इस तरह कुछ मामला है क्या? नहीं, मैडम से मैंने उस बारे में सब मैडम ने बोला कि सर मैंने इस प्रकार से कोई बाइट नहीं दी थी, और मैडम बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।